नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो अभी हम जगदीशपुर के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पे हैं। निहालगढ़ आए दिन चर्चा में रहता है, वो न्यूज़ की चर्चा में ना हो लेकिन हमारे चैनल पे ज़रूर चर्चा में रहता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक नहीं सौ कमियाँ हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप सबसे पहले स्टेशन पे आते हैं तो आप टिकट लेंगे ऑब्वियसली, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट हो। प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ मिलता नहीं है, बट कहीं जाना हो तो टिकट लेना पड़ता है। और गलती से आपके पास कहीं अगर खुला नहीं है तो शायद टिकट भी नहीं मिलेगा। मतलब इतनी ज़्यादा कमी है चिल्लर की यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा रेलवे इंडस्ट्री है, आए दिन हर एक पैसेंजर को खुले देने पड़ते हैं। मतलब प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, यहाँ पे चिल्लर नहीं रखे जाते हैं, एक एक दो दो के सिक्के नहीं रहेंगे रेलवे के पास, तो यहाँ पे यात्रियों को परेशान करना होता है। जैसे अभी मैं टिकट ले रहा था तो चिल्लर नहीं था, करीब मैं पाँच सात मिनट तक वेट किया। जब दूसरा बंदा इनके पास छोटा टिकट लिया, कम अमाउंट का, जब खुला हो गया तो हमको टिकट दिया गया। मेरे साथ ही छोटी सी बात है, लेकिन और लोग भी हैं बहुत सारे जिनके साथ ऐसे बड़ी इशू हो जाते हैं। कभी कभी चिल्लर की वजह से कोई बहस कर जाता है, कोई बोल जाता है, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी के साथ छोटी सी बहस हो गई थी। तो यहाँ पे बहस होना उस पर टिकट काउंटर पे आम बात है, क्योंकि यहाँ पे तो ये नॉर्मल है। और अभी मैं रेलवे स्टेशन निहालगढ़ पे हूँ, यहाँ की अक्सर बहुत सारी कमियाँ खूबियाँ दिखाता रहता हूँ। और रिसेंटली हमने कई सारे आप लोग को वीडियो दिखाए थे वॉशरूम के, यहाँ पे वॉशरूम प्रॉपर यूज़ में नहीं है। अश्विन वैष्णव जी से रिक्वेस्ट है कि आपके रेलवे इंडस्ट्री पूरे भारत में बड़ा चर्चित है, तो कहीं ना कहीं निहालगढ़ स्टेशन पे कमी है, उसको दूर कराइए। कुछ दिन पहले जब हमने यहाँ पे देखा तो कई सारे वीडियो आप लोग के बीच दिखाए कि निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का जो बाथरूम है और ये सही नहीं है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते। और कोई भी स्टेशन हो, कोई भी सरकारी जगह हो, वहाँ पे वॉशरूम सबसे पहले एक नंबर होना चाहिए, भले ही चार्जेबल हो, चाहे 10-5 रुपये दे के जाना हो। अभी यहाँ पे रिसेंटली एक नया वॉशरूम बनाया गया, यूनिसेक्स टॉयलेट। अब मुझे वॉशरूम जाना था और जो गंदा वॉशरूम था उसको देख के तो आप वहाँ से वापस आ जाएंगे, जा सकते नहीं, एक मिनट नहीं रुक सकते। लेकिन जब मैं स्टेशन मास्टर साहब के पास गया तो पता लगा कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, आप जो यूनिसेक्स वॉशरूम है टॉयलेट बनवाए उसको ओपन करवा दीजिए, चाबी दिला दीजिए। तो उन्होंने मना किया कि वो मतलब विकलांग के लिए है। अब साहब सर को शायद नहीं पता था कि वो यूनिसेक्स का मतलब होता है लेडीज़ जेंट्स या विकलांग, सब कोई जा सकता है, वो कॉमन होता है। तो उन्होंने मना कर दिया, फिर हमें बस स्टैंड जाना पड़ा। ऐसे कई बार हमारे साथ हुआ, हमारे साथ तो हुआ ही, उसके अलावा बहुत लोगों के साथ हुआ। तो इतना बड़ा क्षेत्र का ये निहालगढ़ रेलवे स्टेशन और वॉशरूम नहीं, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और ये सारी चीज़ें मैं ऑन सिचुएशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता, जैसे मैं टिकट ले रहा हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, नहीं तो रेलवे वाले हमारे ऊपर केस कर देंगे और वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ मुकदमा करा देंगे, क्योंकि रेलवे के पास इतनी पावर है कि कोई आम जनता उनके लिए कुछ आवाज़ उठाएगी तो उसको अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए मैं अलग साइड से ये रिकॉर्ड करके आप लोग को यहाँ की कंडीशन दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कंडीशन दिखाना क्या, आपको हमारे बहुत सारे वीडियो निहालगढ़ के वॉशरूम वाले टॉयलेट वाले आप देख लेना क्या स्थिति है। और बहुत बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। अभी हम निहालगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं। और अगर आप लोग भी ऐसे ही प्रॉब्लम उठाते हैं यहाँ पे, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी को पता चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।